नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। उमरिया जिले के भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमित सिंह के नौरोजाबाद एवं पाली में प्रथम आगमन पर भाजपा युवा मोर्चा के सभी युवा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक प्रथम नगर आगमन पर पाली में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए नगर में युवाओं द्वारा बाइक रैली निकालकर माता बिरासनी के मंत्र उपचार के साथ पूजन अर्चन करते हुए दर्शन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए प्रकाश चौक में मंच के माध्यम से आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि मेरा हर एक पदाधिकारी, चाहे वह जिला कार्यकारिणी में हो, नगर कार्यकारिणी में हो, वह जिलाध्यक्ष के बराबर हो, हम सबको मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूत करना है और संगठन हित में काम करना है। उन्होंने कहा कि मेरा यह कार्यक्रम एकमात्र प्रवास के लिए था, मगर मेरे सभी युवा मोर्चा के साथियों ने मिलकर इस कार्यक्रम को इतनी भव्यता दी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बहुत बड़ा जिले का दायित्व सौंपा। मैं परम सम्मानी प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णु शर्मा जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्मानी वैभव पवार जी और अपने कर्मठ यशस्वी जुझारू और 24 घंटे संगठन के लिए अपना तन मन धन सब लगाने वाले जिला अध्यक्ष माननीय दिलीप पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ। यह मेरा जिला अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद प्रथम पाली नगर आगमन है। ये कोई स्वागत सत्कार का मेरा नहीं था, मेरा ये प्रवास था। उसको यहाँ के कार्यकर्ताओं ने स्वागत सत्कार का रूप दिया, मैं भी उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं जल्दी सशक्त टीम का निर्माण करूं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती मिल सके। जल्द जल्द मैं अपनी कार्यकारिणी घोषित करूंगा। मेरी कार्यकारिणी का हर एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, ये मैं आत्मसात कह रहा हूँ।